नाइन्थ क्लास के प्यारे बच्चों, अज असी असाइनमेंट नंबर 96 करांगे ते एक अध्याय शुरू करांगे। अध्याय नंबर 7 त्रिभुजां दी सरबंग समता बारे असी पढ़ांगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आओ करदे हां। सानू पता है बच्चों कि त्रिभुज की है, तीन भुजावां दे नाल बनी हुई कोई आकृति, इहदा नाम असी रख्या ए बी सी। तीन भुजावां दे नाल या तीन रेखाखंडां नाल बनी हुई आकृति नूं त्रिभुज कहा जाता है। हुण मैं कहनी हां कि इहदियां भुजावां कड़ियां कड़ियां, पहलां वो दसो। इहदा नाम की है ट्रैंगल का? ए बी सी। ट्रैंगल ए बी सी भुजावां कड़ियां ने, पहली भुजा हैगी ए बी, बी सी, सी ए, तीन भुजावां हो गई। कौन कड़े कड़े है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये शिखर कड़े कड़े है? वर्टिसेस कड़े है? कोने कड़े है? ए बी सी। देखो ध्यान ना, असी पूजा दोवां दे कॉम्बीनेशन लिखी ए बी बी सी सी ए, कोणा में असी कोण दा निशान पाया, पर जो असी पॉइंट लिखे, शिखर लिखे, वर्टिसेस लिखे, ए बी सी असी सीधा लिखे। हुण अज असी एक वर्ड पढ़न जा रहे हैं, सरबंग समता। सरब अंग समान, ये तीन अक्षरों के जोड़ तो बनया है सरबंग समता। सरब अंग समान मतलब सारे अंग समान, और ये लगानी कि है त्रिभुज से। बहुत ईजी है, त्रिभुजों की सरबंग समता के किन्ने पॉइंट ने, पर अज असी सिर्फ एको डिस्कस करांगे। कोई दो त्रिभुजा ने, एक दा नाम रखा ए बी सी, एक दा नाम रखा पी क्यू आर। अगर सारे अंग समान हो जाण, इस भुजा दे सारे अंग, इस त्रिभुज दे सारे अंग, इस त्रिभुज दे सारे अंगां दे समान हो जाण, तो असी कहांगे कि जिहड़ी ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल पी क्यू आर दे सरबंग सम है, इहदे सारे अंग समान। सरबंग समता दा निशान की है? नाल इक्वल टू नीचे पा, ठीक है। यह सरबंग समता का की है निशान, तो असी की लिखांगे जो भी कोई चीज़ सरबंग सम आ जाएगी, कि ट्रायंगल ए बी सी सरबंग सम है ट्रायंगल पी क्यू आर दे। हुण इहदियां शर्तां की ने, सरबंग समता दियां शर्तां की ने? अज असी इहदी पहली शर्त पढ़ांगे एस ए एस। हुण एस स्टैंड फॉर साइड, ए फॉर एंगल, तो एस फॉर साइड। अगर एक त्रिकोण दियां दो साइडां दूसरी त्रिकोण दियां दोनों साइडां दे बराबर होण, अगर एक कोण दूसरे कोण दे बराबर होवे, तो असी की कहने आ कि जिहड़ियां उह त्रिभुजां है सरबंग सम है। यह रूल असी लगा सकते, अगर सानू दिख गया एस ए एस साइड एंगल साइड, तो पंजाबी जिहनूं किदां कहना, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। सो एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, ठीक है। सो दो साइडा, मान लो आ साइड 5 सेंटीमीटर है, ए भी साइड 5 सेंटीमीटर है, ए साइड 6 सेंटीमीटर है, ए भी साइड 6 सेंटीमीटर है, ए एंगल 60 डिग्री है, ए भी एंगल 60 डिग्री है, बाकी का मैनू नहीं पता। हुण ए बी कोरसपोंडिंग ही होनी चाहिए है, ऐ नहीं कि ए वाली साइड जी है उधरों ये बराबर आवे, नो। अगर ए इदा टेढ़ी साइड है, ए टेढ़ी साइड के बराबर होनी चाहिए, अगर ए बेस है, ए बेस के बराबर होना चाहिए, अगर ए वाली साइड इधर होगा तो ये बराबर होनी चाहिए, यदा मतलब है नहीं कि ए वाली साइड जी ये बराबर हो जाए, नो। एंगल अगर आ लेना है तो इधरों भी इस एंगल नू लेना, ठीक है। अगर एंगल इधरों सी लेना है तो यदा जरा एंगल जो कोरसपोंडिंग एंगल संगत कोण आर, ठीक है। असी जिवें संगत समझाया सी, संगत कोण या संगत कोई भी चीज़, संगत हथ, ठीक है, उवें असी संगत जिहड़े कोण आ या संगत भुजावां ही लैणी, तद ही सरबंग समता मन्नी जाएगी। हुण इहदे ते देखो, दो एक भुजा दे नाल मिल गई, एक भुजा एक भुजा दे नाल मिल गई, तो एक कोण मिल गया। जदों सानूं इह पता लगा कि दो भुजावां ते एक कोण मिल रहे आ,
तो असी नाल ही रूल केड़ा लगा देना है एस ए एस का साइड एंगल साइड। तो सारे बच्चों नूं क्लीयर हो गया कि सर्वंग समता का मतलब की है सारे अंग समान। बच्चों ये गल हमेशा याद रखनी कि जिहड़ी सर्वंग समता है वह दो चीज़ों ही लगनी है, ठीक है। आप कल्ली चीज़ नूं तां नहीं कह सकते कि वह समान, असी कोई एक चीज़ होर नाल उहदे होएगी तां ही असी कहांगे कि इन्हां दोनों विच की समान है ते की समान नहीं है, ठीक है। हुण देखो एक क्वेश्चन है तुहाडे कोल, इहदे विच पहलां देखो कि तुहानूं दो त्रिभुजां दिख रही, एक त्रिभुज उपर है एक त्रिभुज नीचे बनी हुई है, ठीक है। एक उल्टी त्रिभुज है एक ऐदा त्रिभुज बनी। हुण असी इहदे ते वेखणा कि कीड़ा रूल लग रहा वा ते इह दोनों त्रिभुजां जिहड़ियां सर्वंग सम हैगियां कि नहीं हैगियां। पहलां तां त्रिभुजां दे नाम लिखिए। जिहड़ी थलड़ी त्रिभुज है ट्रैंगल पहली गई ए ओ डी, तो जिहड़ी दूसरी त्रिभुज है वो कि बी ओ सी। अल्फाबैटिकली असी बी पहला आता सो असी लिखांगे बी ओ सी, राइट। हुण असी इन देख लें कि हुण क्वेश्चन क्वेश्चन दिता, एक सिंपल डायग्राम दिती हुई है, ठीक है। एक सिंपल डायग्राम दिती है, कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट दिती, असी खुद इंटरप्रैट करना कि सानू इत्थे की देख रहा, गिवन की है। हुण जदों एक लाइन पई होवे ते एक लाइन पई होवे दैट मीनस वो दोनों सेम आ। जदों इत्थे डबल लाइन पई आ इत्थे डबल लाइन पई आ मतलब ए दो भुजावां सेम। हुण देखो जदों मैं ट्रैंगल ए ओ डी लैनी आ उहदे विच जिहड़ा ओ ए है वह उधरों ओ बी दे बराबर है, ठीक है। इधरली ट्रैंगल की एक भुजा उपरली ट्रैंगल की एक भुजा दे बराबर आ गई। हुण इधर डबल डबल पाए हुए इहदा मतलब ओ डी नीचे वाली ट्रैंगल की ओ डी उपर वाली ट्रैंगल की ओ सी दे बराबर है। एक गल बच्चे याद रखनी, जे मैं छोटी थलड़ी ट्रैंगल तो पहला शुरू कीतियां भुजावां लैनियां, फिर बाद चो जो तुसी कोई भी चीज़ उस थलड़ी ट्रैंगल की ही पहला लवोगे। अगर नीचे वाली ट्रैंगल की पहला भुजा ली है मैं ओ ए ते उपर वाली ट्रैंगल की मैं ओ बी बाद विच ली है, उस तरह ही मैं पहला नीचे वाली ट्रैंगल की ओ डी पहला लै ली है ते ओ सी बाद चो ली। हुण दो भुजावां इक्वल आ गई, ठीक है। हुण सानू पता कि दो रेखावां जदों कटदियां ने उन्होंने सन्मुख कोण बराबर होंगे, तो मतलब ए वाला जो कोण है ये बराबर। सो असी नैचुरली जी नीचे वाली जी त्रिकोण पहला लई है, सो यदा एंगल पहला लिखा, एंगल आ जो सेंटर वाला कि ना लिखो ए ओ डी। सो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है। समझ लगी, शिखर सन्मुख कोण हो गए, आप लिख सकते इतने शिखर सन्मुख कोण। हुण दो भुजावां ए साइड होगी, आ साइड होगी तो आ एंगल हो गया, तो रूल केड़ा लग गया कि एस ए एस सर्वंग समता नियम अनुसार जिहड़ी साडी ट्रैंगल ए ओ डी है वह सर्वंग सम हो गई है ट्रैंगल बी ओ सी दे। निशान बटा सर्वंग समता दा सी पण। सो एस ए एस रूल दे सारे क्वेश्चन असी इदां ही करने हैं।